सीबीआई आई कोर पूंजी घोटाले में मंत्री पार्थो चैटर्जी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई का दावा है कि पार्थो चैटर्जी को उस चिट फंड कंपनी के कई कार्यक्रमों में देखा गया था और क्या वजह है उनके साथ उनके जुड़ने की। देखिए क्या है पूरा मामला। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आई कोर पूंजी घोटाले में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी से पूछताछ कर रही है। एजेंसी साल 2014 से मामले की जांच कर रही है। सीबीआई का दावा है कि पार्थ चैटर्जी को उस चिटफंड कंपनी के कई कार्यक्रमों में देखा गया था। पार्थो ने उस चिटफंड कंपनी के मंच से भाषण दिया, साथ ही कोलकाता के नागतल्ला क्षेत्र में स्थित एक क्लब को दुर्गा पूजा के त्योहारों में उसी कंपनी से एक बड़ा मौद्रिक कोष भी मिला है। संजोग से यह टीएमसी नेता क्लब का अध्यक्ष है। केंद्रीय जांच एजेंसी पूछना चाहती है कि उस चिटफंड कंपनी और पार्थो चैटर्जी के बीच क्या संबंध है, इस कंपनी ने उनके क्लब को दुर्गा पूजा के उत्सवों में क्यों प्रायोजित किया, उन्हें उनके कार्यक्रम में क्यों देखा गया, क्या उन्हें उनकी चिट की कोई जानकारी थी। सीबीआई ने मंत्री पार्थो चैटर्जी को दो बार पहले भी तलब किया था, लेकिन वह पूछताछ का सामना करने के लिए सीबीआई कार्यालय के सामने पेश नहीं हो सके। ऐसे में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी मंत्री पार्थो चैटर्जी की कैमेक्स स्ट्रीट स्थित शिल्पा सादड़ के कार्यालय के अंदर पहुंचकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें, आईकोर प्रायोजित कार्यक्रम 2011 में आयोजित किया गया था, जिस वर्ष टीएमसी सत्ता में आई थी। मैती की पिछले साल नवंबर में न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। उनकी कंपनी को कथित तौर पर उच्च रिटर्न का वादा करके बाजार से लगभग 7,000 करोड़ रुपए जुटाए। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को शारदा रोज वैली और आईकोर सहित बंगाल में सभी पूंजी संचालन और मनी लॉन्ड्रिंग में प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच करने के लिए कहा। ईडी समानांतर जांच कर रही है। इसी सिलसिले में आज पार्थो चैटर्जी को सीबीआई ने पहले बुलाया, लेकिन पार्थो चैटर्जी वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने सीबीआई को मेल करके ये जानकारी दी कि कृपया उनके कार्यालय पहुंचे और जो भी पूछताछ करना है पूछताछ कर लें।